बर्थडे पार्टी लास्ट टाइम बेबी की बर्थडे पार्टी थी और आज बिग गर्ल की बर्थडे है. गर्ल्स एंड बेबीज की बर्थडे हो रही है, बॉयज की कब होगी? बॉयज की बर्थडे, बॉयज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करते. और आज निदा की बर्थडे पार्टी, एक मिनट में जरा लाइट ले लो, ये देखिए लाइट से कितना फर्क पड़ता है. तो आज निदा की बर्थडे पार्टी है द फॉरेस्ट में, और फॉरेस्ट बीन का अपना रेस्टोरेंट है, मैं अभी तक नहीं गई उसमें, मुझे बहुत दफा उसने इनवाइट किया, कुछ ना कुछ हो जाता था. और हमारी जब शादी हुई थी वैसे लास्ट ईयर में, तब भी निदा ने बुलाया था, तब उसकी बर्थडे थी, तो मैंने कहा मैं तो भी हनीमून पे हूँ. आपने कहा आऊंगी आऊंगी बर्थडे पे आऊंगी, लेकिन ये नहीं बताया था कि कौन सी बर्थडे पे आऊंगी. हाँ, तो मैं एक साल हो गया और अब जब उसकी बर्थडे, तो कितनी जल्दी देखिए बर्थडेज आ जाती है, साल गुजर जाता है, टाइम गुजर जाता है, पता नहीं चलता. लेकिन आज मैं जा रही हूँ और मैंने रेड पहना हुआ है, इन्होंने ब्लैक पहना है, बहुत डैशिंग लग रहा है. अल्लाह की कसम मेरे अपने कपड़े हैं आज, आई स्वेयर, नॉट स्पॉन्सर्ड. बहरहाल आई एम वेयरिंग आयशा इब्राहिम, बहुत प्यारा क्यूट सा ड्रेस है. मैं यहाँ देख रही हूँ कि बर्थडे पे और ये आफ्टरनून के टाइम पे सब सनग्लासेस पहनते हैं और वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं. मैं आई लाइक दिस रेड, फैसल को भी बहुत पसंद था. फैसल ने कहा नहीं आप सलवार कमीज पहनो, रेड कलर पहनो, तो मे बी मैं इकलौती होंगी वहाँ सलवार कमीज में, मुझे लग रहा है. नहीं मैं देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं. हाँ जी बिल्कुल, और मैं चिंगम खा रही हूँ. हाँ सिंपल सा मेरा मेकअप है, नथिंग, एक ये मोनोक्रोमेटिक स्कीम, सिर्फ पिंक कलर का शेड लगाया है मैंने. और अब मैं बर्थडे पेंटर होने वाली हूँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज होंगे, आपको भी दिखाएंगे. सब्सक्राइब टू आउट स्टाइल, आज की वीडियो में निदा यासिर की हैप्पी टू यू. अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी सालगिरह जो है ना हमेशा सेलिब्रेट करती है बड़े मजे से. और ये कौन गुब्बारे लेके आया है? हाँ बलून जा रहे हैं, गिफ्ट जा रहे हैं. मैंने भी बड़ी मजे की चीज ली. इट्स अ वेरी नाइस गिफ्ट. पहले मेरे का फ्लावर्स लेके जाओ, मैं कभी फ्लावर्स नहीं, गिफ्ट गिफ्ट अच्छा लगता है. ये है बर्थडे गिफ्ट, ये है प्यारे से फैसल, मैं हूँ प्यारी सी नादी और आप देख रहे हैं आउटस्टाइल ये, और सामने पार्टी हो रही है. हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी टू यू, लुकिंग लवली, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच जबरदस्त दूल्हा भाई. इतना प्यारा सेटअप कैसे किया? मैं क्या तुम ही कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता. बस मेरा ख्वाब था, बचपन में तो नहीं कर सकती, पैसे नहीं. बहुत जबरदस्त है यासिर, वेरी नाइस सेटअप, बहुत प्यारे लग रहे हैं. और इनकी जरा ये वंडर वुमन वंडर मैन की एक कपल पिक्चर, बाईस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिर इनकी उम्र भी जब 7-8 साल, हाँ खुद बढ़ जाती है. 30-20 के हैं, 23 का हूँ मैं, ये 22 की हैं. क्लास फेलोज नहीं था, हमारे बच्चे तो भी पैदा ही नहीं हुए. बहुत ही अच्छा सेटअप है, आई लव इट. सारा जिसने इवेंट किया है कुछ दिखाना चाह रही है मुझे, तुम्हारे फोन में क्या है, क्या दिखाना चाह रही हूँ? आउटस्टाइल देख रही थी तुम, ये देखा, ये पूरा देखा, मजे का लगा, थैंक यू, थैंक यू. कैसी हो तुम? ये इतना मजे का जो ड्रेस है, ये कहाँ का है, किस डिजाइनर का है? डिजाइनर है या क्या, खुद बनाया करवाया? इट्स वेरी नाइस. और निम्रा क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या काम हो रहा है? बस अभी कल एक टेलीफोन की है और कमिंग अप लाइक जो है मेरा जियो का और इंशाल्लाह हम का एक प्रोजेक्ट है. माशाल्लाह दैट्स सो नाइस. और अच्छी बात है, मजे की बात क्या निम्रा की, मैं बताऊँ अचीवमेंट, तुमने वेट वापस गेन नहीं किया? नहीं किया ना यार, कैसे ये बताओ कैसे? साइज जीरो पे गई और वही है. देखिए क्या है, साफ कैमरे में हसीन कितनी लग रही है. यस आई नो, स्पेशल डीएसएलआर, शी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. आई लव हर. वापस क्यों नहीं आया? वापस क्यों नहीं आया, क्योंकि मार्जिन रखती हूँ 4 kgs का. मैं एक्स्ट्रा वेट लूज करती हूँ अपने टारगेट से ज्यादा, और 4 kgs का मार्जिन रखती हूँ, जिसपे मैं गेन भी करूँ तो वो ऑब्वियस ना हो, वो प्रोपोर्शनल लगता है फिर मुझे, कहीं यहाँ लग जाएगा कहीं यहाँ लग जाएगा. लेकिन वो 4 kg ऑलरेडी एक्स्ट्रा कम किया हुआ था अपने टारगेट से, इसलिए तो थोड़ा सा ऊपर हो भी जाए तो खैर. हाँ ऊपर नहीं होता,
वो टारगेट वाले पे पहुंच जाता है, मैं टारगेट से कम करती हूँ। क्या डाइट चल रही है आजकल निब्रा में भी बताओ? आजकल सिर्फ वन टाइम वन डे वन मील वन मील अ डे, तो वो फास्टिंग भी होगी साथ में, इंटरमिटेंट फास्टिंग। वाटर इनटेक बहुत ज्यादा पर वन मील अ डे। अच्छा, मेरा पानी बहुत कम हो गया है, सर्दियों में मुझसे पानी नहीं दिया जाता, प्यास नहीं लगती। इट्स नेचुरल, ये थी तो प्रॉब्लम है, क्या करूं, जबरदस्ती। एंड दैट्स व्हाई हर स्किन इज ग्लोइंग, लुक एट हर निम्रा, जबरदस्त। पानी पीना, पानी को ऐसे yes, पानी पानी को दोस्त बना ले अपना yes. ये बहुत बड़ी टिप है, सब आपकी सही है कि आपका डिटॉक्स होता रहता है yes. पापा कैसे हैं? पापा अल्हम्दुलिल्लाह, मम्मी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मम्मी कैसे हैं? माशाल्लाह। और तुम्हें सेटअप कैसा लग रहा है निदा का बर्थडे का? वेरी फ्लोरल, वेरी हैपनिंग, वेरी लाइक नो रिफ्रेशिंग है ना, मुझे भी फ्लावर्स इतने अच्छे लगे, फेवरेट कलर्स हैं। तुम्हारी बर्थडे कब है, तुम क्यों नहीं मनाती, कैसे मनाती हो? मैंने फर्स्ट टाइम अपनी बर्थडे लास्ट ईयर बनाई थी 26th ऑफ जून को, वो भी अपने अम्मी अब्बू को इस्लामाबाद लेके गई थी और वहाँ पर मैंने बर्थडे की थी। कुछ लोग पसंद करते हैं कि प्राइवेट हो, जैसे ये है ना, ये प्राइवेट नहीं था, ये साहब पसंद करते हैं कि प्राइवेट बर्थडे हो। हेलो प्यारे लड़के, हैंडसम लड़के, ये कहते हैं कि प्राइवेट बर्थडे होनी चाहिए, लेकिन लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए अपने खुशी के दिन को। मजे की होगी निम्रा, तुम्हारी बर्थडे कब है? मैं करूँगी 26th ऑफ जून। बहुत गर्मी है, बारिशों में ठीक है, मेरी सड़ी हुई गर्मी में 22 मई को होती, आउटडोर हो ही नहीं सकता। एक और साइड आए ना, साइड आनी चाहिए, हाँ ज्यादा अच्छे आते हैं, मैं क्या करूँ, ये चेक करें वाली कुछ। मैं कहती हूँ कमाल हो गया, दानिश कमाल हो गया। सवेरा कैसी हो? ठीक, आप सुनाएं कैसी है? मैं ठीक हूँ, शादी पे बहुत प्यारी लग रही थी लेकिन हम मिल नहीं सके। हम मिले थे बट बहुत हॉश पॉश है ना, हाँ सही तरह बैठ के गपशप नहीं हुई। लुकिंग लवली, व्हाट आर यू वेयरिंग? और ये रेड, यार मैंने नोट किया बात, रेड आज इन है ना, रेड में कितना रेड है, रेड इज द कलर ऑफ द डे है ना, आज कलर ऑफ द डे है। द विंग्स, वैसल डू यू लाइक विंग्स? आप कौन से विंग्स पसंद है बता दें। जॉब बनाते हैं। शर्मा रही हूँ मैं, शर्मा नहीं लग रहा मेरे पे, सूट नहीं करता शायद, या यकीन नहीं आता कि मैं शर्मा भी सकती हूँ, ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं एक्चुअली शर्मा रही हूँ क्योंकि इन्होंने कहा कि इनको विंग्स वो पसंद है जो मैं बनाती हूँ, 5 मिनट विंग है और उसमें वो फ्राई नहीं होते विंग्स, तो वो मैं आपको रेसिपी बताऊँगी। हनी विंग्स हैं और साथ में उसमें सॉस होता है हनी मस्टर्ड ऑप्शनल, जो अजान को पसंद है, मुझे पसंद है, मैंने कल भी बनाए थे और चट हो गए सारे। आपको दिखाऊँ? सबके लिए, लेकिन आपने 8 खाए थे, विंग्स थे 4 मुर्गी के, बस बहुत सारे विंग्स आए थे। बट ऑनेस्टली मेरी इतनी अच्छी रेसिपी है, उसके लिए आपको एयर फ्रायर चाहिए, मैंने बड़े मजे के बनाए थे, मैं आपको बना के सिखाऊं। और मेरे साथ सनिया, इतने अरसे बाद हमने ड्रामे में काम किया, वी हैड सो मच फन। Princess got married. Yeah. Oh, 1 second, bahut light hai. Bahut light hai. That was the first time. This is the first time. Oh my God, Yasmina. Hi. Ye tha. Sanya ki shaadi ho gayi. Allah. Bachcha bhi ho gaya. Ab 6 mahine ka. Dhoop kaisi lag rahi hai? Dhoop kaisi yaar, baki kara de thoda sa aur. Hi. मैं इसको बता रही थी, बहुत अच्छा किया इसने, ये पिक्चर नहीं है वीडियो, ये निम्रा की चुप रही है, मैं क्या ज़ॉम्बी लग रही हूँ यार इतनी लाइट में, किधर खड़े हो? हेलो पार्टी कैसी हो, हाउ आर यू? फाइनली इतना, माय हस्बैंड इज फॉलोइंग इट, और सब इतने अच्छे लगे हैं, सब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सनिया ले गया, मेरी वीडियो में तुमने देखा था अपना शॉट, ऐसे जो आए थे बीच में, वो ये था, ये दैट्स इरफानिस्तान। जब पार्टनर अच्छा हो तो कोई भी जगह हो अच्छी हो ही जाती है, लेकिन पार्टनर सही होना चाहिए।
ये बहुत जरूरी है, इंतखाब अच्छा कीजिए, वरना आप सबसे हसीन जगह पे वो जहन्नुम बन जाती है लिटरली। मालदीव्स भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बिल्कुल एग्री कर रहे हैं आपके पास, एंड यू आर अमेजिंग एंड वी लव। और आपका कपल भी बहुत प्यार है नादिया जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना मैंने वेट किया निमरा, कितना 40 साल वेट किया है तो मुझे मेरा प्यारा पार्टनर मिला है। सबर, मुश्किल फैसला, इम्पोर्टेंट फैसला, मैं इससे बेहतर कोई नहीं जानता ये। बट सबसे ये भी जरूरी है कि अगर आप खुश नहीं है तो तब भी आप डिसीजन लें, वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप उसके बाद, मैं हमेशा कहती हूँ इट्स अ फेज ऑफ लाइफ, इट्स नॉट लाइफ फुल फेज है, चैप्टर, टेक इट एज अ लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन। आपकी गलतियां आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं होती, इट्स ओके अगर गलती हो जाती है, बट सीखें, सीखें। और ये जो आवाज आ रही होती है ना घंटी दिमाग में बज रही होती है, उससे ही बज रही होती है। अल्लाह कहते हैं एक ही आजमाइश से मैं तब तक तुम्हें आजमाऊंगा जब तक तुम उस आजमाइश से सीख ना लो। तो यार अगर एक गलती बार बार आप कर रहे हो, इट मीन्स कि वो अल्लाह आपसे करवा रहा है, क्योंकि आप पहले से ही नहीं सीखे। इतनी गहरी बात कर दी निमरा, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी बातें भी कर रही है, बहुत गहरा। और होता है कि आपको ना इट्स लाइफ एक्सपीरियंसेस से यू लर्न एंड यू गेट विजडम, समझ आने लगती है चीजें, रियलिटी। मुझे कल एक फ्रेंड का स्टेटस मैं पढ़ी थी, बड़ी सोशल, कह रही कि मेरा फ्रेंड सर्कल अब एक डॉट बन गया है, इट्स नॉट इवन अ सर्कल एनीमोर, इट्स अ डॉट। अच्छा फनी बात नहीं, मुझे इतनी सीरियस लगी, आई कॉल्ड हर, मैंने कहा यू आर सो राइट, कि जिंदगी में आप कितना बड़ा सर्कल हो एंड में डॉट ही रह जाता है। यू रियलाइज मेरे हस्बैंड मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मैं उनसे हर चीज शेयर करती हूँ, अम्मी की बुराइयाँ भी उन्हीं से करती हूँ, अम्मी ने ये कहते हैं वो नहीं, इज अमेजिंग एंड आई लव हिम सो मच। माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई, अब एट द पीक ऑफ हर करियर व्हेन एवरीबॉडी वाज आफ्टर सानिया, मेरा ड्रामा करो हमारा ड्रामा करो, क्योंकि ये फेस भी इतना प्यारा है, रोते हुए बहुत प्यारा लगता है, और ड्रामा में वो लड़कियाँ अच्छी हैं जो रोते हुए प्यारी लगती हैं, रो के दिखाओ। देखा रेडी आंसू, लेकिन अब माशाल्लाह जितना ड्रामों में पहले रोई है उतना लाइफ में हंस रही है। बेबी बताओ, बेबी माशाल्लाह, मुझे थोड़ा सा था कि वो एडजस्ट नहीं होंगे यहाँ पर बहुत अच्छा एडजस्ट हो गए हैं, बिल्कुल तंग नहीं करते हैं और मामा को काम करते हैं। और तुम कितने दिनों के लिए आई हो? I'm here for one project, वो कंप्लीट हो जाता है, I think it will take 3-4 months। तो तुम 6 महीने के बेबी को कहाँ छोड़ती हो जब ड्रामे के लिए जाती हो, मुझे बताओ, मैं 2.5 साल के बच्चा नहीं छोड़ पा रही हूँ। हाँ, उसके लिए बेबी के लिए सब अरेंज है, नैनी है, बहुत 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 अच्छा ख्याल रखती है। और बेबी घर पे होता है या शूट पे? शूट पे नहीं लेके जाती, क्योंकि आजकल एक तो जो हालात है और फिर डिस्टर्बेंस है, वो उसकी जगह है, वो वहाँ रहता है, उससे फोन से खेलता है, खाता पीता है, ही इज हैप्पी देयर। और वहाँ का बड़ा है मम्मी वगैरह? जी फैमिली, फैमिली के साथ, ये बेस्ट है कि फैमिली, देखिए ऐसे में इन लॉज हो या अपनी फैमिली काम आती है। ऑल द बेस्ट, मुझे तुम्हारी बेबी की तस्वीर भी देखनी है। मैं बिल्कुल दिखाऊंगी। नाम क्या बेबी का? बेबी का नाम है अजलान। अजलान, अजलान मींस लायन, शेर। सुनो ये तो बहुत ही प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही हैंडसम है। His name is Aslan, सही है, and I love him. यार ये तो बच्चे को तो फॉरनर ही लग रहा है। बहुत प्यारा है माशाल्लाह, मैंने खेलना है इसके साथ। He is adorable, तो मैं इसको छोड़ के एक्टिंग कर, मैं तो एक सेकंड ना छोड़ूं। मतलब बच्चा पपियां करती रहूं सारा दिन। मुझे लगता है बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए माँ का स्टेबल रहना बहुत जरूरी होता है, मेंटली इमोशनली, सो आई पिक दिस एक्टिविटी फॉर मी ताकि मैं स्टेबल रहूं, सो दैट मैं उसको बेस्ट दे सकूं। अगर मैं अच्छे इमोशनली या मेंटली थोड़ा कमजोर महसूस करूंगी, मैं उसको बेस्ट नहीं दे पाऊंगी, मुझे लगता है कि मैं रिचार्ज होकर। बिल्कुल सही, तुमने वेट गेन किया था प्रेगनेंसी में, कहाँ गया? इधर है। हाँ वैसे ये आई वाज लकी इन दिस वे, नादिया जी किया है और फिर निकल गया, बट मैंने जिम भी किया है और मैंने वर्कआउट भी किया है, डाइट भी की है, सब किया है। और मेलबर्न में लाइफ कैसी है, क्योंकि यहाँ तो हम जरा यूज्ड टू होते हैं ना आराम के, वहाँ हेल्थ का क्या चक्कर है, घर में सफाइयाँ, खाने? आई डिड एवरीथिंग, मैंने बर्तन भी मांजे, मैंने सफाइयाँ भी की है, और मुझे खाना बनाना आ गया, मुझे खाना बनाना आ गया, एंड लाइफ वाज रियली गुड। मुझे लगता नहीं था हम लोग कुछ घर का काम या कुछ मसला है, सब बहुत अच्छा है। मेरे बीबी के बाद काम बढ़ गए होंगे ना, वो भी कैसे मैनेज कर रही हो? आई मैनेज दैट अलोन। तो तुम शिफ्ट हो गई हो सनिया और यू आर गोइंग बैक? मैं सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ, आई विल सी कि कैसा मैनेज होता है अजान के साथ, अगर स्मूथ गया तो आई विल साइन अनदर प्रोजेक्ट। और हस्बैंड का होंगे वो आगे, अभी
अमेरिका से तो अभी आ जाएंगे वेरी वेरी सपोर्टिव. आप ये देखें कि हस्बैंड को बीवी के शौक और करियर का ख्याल है, तो ही इज सपोर्टिंग यू. दैट्स सच अ नाइस थिंग. ऑल द बेस्ट सनिया, यू लुक लवली एंड आई एम इन लव. मेरा नया लव है अजलान. मेरी बेटा खाला आ रही है पपिया लेने. पीसीओ में तो वेट कम नहीं होता, पीसीओ में वेट कम नहीं होता, थायराइड में वेट कम नहीं होता. तुम कैसे कम कर रही हो यार? मैंने बट लुकिंग लवली. आई एम और आज इतने सेलिब्रिटीज हैं यहाँ, इतना मजा आ रहा है. कितना स्टार जमीन पे आ गए, सितारे सितारे जमीन पर. और आपको दिखाऊं पावर बॉयज. बहुत अच्छी लगी. क्या हाल है? आई लव दिस गाइज वर्क. इतना कमाल लड़का, इतना कमाल टैलेंट है. फिल्मों का कैसा लग रहा है? एक्टिंग एक इंस्टाग्राम वीडियो की हो या फिल्म की हो, मेरे लिए इतना है, क्योंकि मैं सबको बहुत दिल से करूँ. और मैं तुम्हारे ड्रामा में बहुत कम ड्रामे देखती हूँ. तुम्हारा जो देखा ना स्टार्ट वाला मूसा, मूसा थैंक यू. यार आप देखिए, जिस इंसान ने बंधन किया हो जब वो ऐसी बातें करे तो अजीब लगता है. ये ना करें. ना 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 ना. एक दिन में कितने इवेंट्स पे जाते हो? यार मैं आज का पहला इवेंट. आज का पहला है अभी तक. हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक. आप कैसी हैं? आई एम फाइन. नादिया से भी आ गई. नादिया. अच्छा, हमारी जब साथ पिक्चर आती है तो जो कमेंट्स आते हैं समझ नहीं आता कि किसके लिए आ रहे हैं. हाँ पता नहीं. फुल नेम लिया करें ताकि पता चले कमेंट्स किसके लिए. जी जी जी, नादिया हुसैन खान. आपको अवार्ड की बहुत मुबारक हो और आप मुझे मुबारकबाद दें. जी जी बिल्कुल, आपको भी मुबारक हो. वी आर बोथ वेरी डिजर्विंग. और निधा की बर्थडे पे कैसा लग रहा है? बर्थडे पार्टीज कैसी लगती हैं बच्चों की, बड़ों की? व्हाट डू यू प्रेफर? बड़ों की, लेस टेंशन. बच्चों का? हाँ, वरना तैयार करके लाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है. हाँ, बच्चों की बर्थडे में तो इतनी टेंशन होती है कि बस. नानी तुम कभी सेलिब्रेट करती हो बर्थडे? बहुत कम लोगों के साथ. कम है ना? हाँ. ये होता है कुछ जरा पसंद करते हैं इस तरह ओपन मजे का सबको बुला के, और कुछ प्राइवेट. एक लड़का है वो भी प्राइवेट बर्थडे पसंद करता है. कौन? ये. राणा हमेशा मेरी वीडियो में होते हैं, और राणा आज आपकी ड्रेसिंग तो मतलब खत्म है. थैंक यू सो मच. वेयर डिड यू गेट दिस फ्रॉम? डिफरेंट कंट्रीज. ये डिफरेंट है, ये एक जगह से नहीं है? नहीं है, ये छोड़ो क्या बताना, बस एक जगह से नहीं है. इट्स वेरी नाइस. थैंक यू. बहुत मजे का है. वैसे मुझे भी ऐसा चाहिए. भाई बर्थडे पार्टी तो बहुत ही मजे की थी, लेकिन एक और स्पेशल सरप्राइज था सबके लिए निदा की बर्थडे पार्टी में, कि इनकी आने वाली फिल्म चक्कर का टीजर का कर्टन रेजर था. यानी कि सबको पहली बार दिखाया गया कि आने वाली इनकी फिल्म चक्कर, जो कि ईद उल फितर पर रिलीज हो रही है, उसका टीजर कितने मज़े का है. टीजर और कास्ट देख के पता चला कि बहुत ही मज़े की, इंटरेस्टिंग और कॉमेडी फिल्म है चक्कर. और ईद पे बेस्ट एक्टिविटी होती है पूरी फैमिली के साथ सिनेमा जाके मूवी देखी जाए. यासिर और निदा पहले मूवीज बना चुके हैं, रॉन्ग नंबर 1, रॉन्ग नंबर 2, मेरुनिसा वी लव यू, और अब चक्कर. तो आइए दिखाते हैं आपको इसका टीजर. कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी का टीजर कैसा लगा और मूवी कैसी होगी. We'll be right back.
माई चाइल्ड हुड फ्रेंड्स डॉटर्स मेहंदी और ये है प्यारा सा दूल्हा और प्यारी सी दुल्हन पिज़्ज़ा बेटा हाउ ओल्ड आर यू 26 and Vijaya is 21 26 very nice ideal acha hai yeah main milati hu apni childhood friend se bachpan ki dost se ek second photo kharab kar dungi yaar photo kharab kar dungi hello maria and that sadab itni choti ki saath ab hairan ho jayenge हमारी फ्रेंड में सबसे पहले शादी इसकी हुई थी सदब की सर तुम्हारी क्या एज थी जब शादी हुई 17 साल की शादी हुई थी बहुत बड़ी है हम बहुत छोटे हैं हमारी भी ऐसी हुई थी नहीं पहले हम तो आ रहे हैं पहचाना हम तो उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आपको मिला है पिंडी गर्ल्स से हम सब पिंडी से स्कूलिंग हुई है हमारी कॉलेजिंग वहीं कॉलेजिंग कॉलेज भी वहीं का शादियां भी वहीं सबकी पिंडी की पिंडी की क्या बात है कहते हैं बेस्ट जो बहुएं होती हैं ना और बीवियां पिंडी से होती हैं अच्छा ये अच्छा हाँ 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 अच्छे फोटोग्राफर परेशान हो गए ना मैंने ठग से अपना कैमरा स्टिक निकाली फट से शुरू हो गई कह रहे ये क्या हमारी रोजी पे लात मार रही है ये हमारी ये मिली है मेरी मेरी बचपन की बेस्ट बेस्ट फ्रेंड से वो जो नहीं होती बस तो मेरी फ्रेंड है तुम किसी और से बात नहीं कर सकती उससे क्यों बात की है तुमने उससे क्यों बात की है हम ऐसे ही थे उससे क्यों बात की है नाराज हो रहे हैं रो रहे हैं पिछले एक साल से बहुत करीबी दोस्त एक दूसरे के फोन पे बात करते हैं एक दूसरे से बात में तो भाई मुझे सो ही नहीं सकते नींद ही नहीं आती कसम से मेरा ख्याल है हम बचपन में इतना मिले हैं ना हमारे तो ब्रेक लिए एक दो साल हम मेरा बेटा ये देखो जी मोहम्मद आ गया माशाल्लाह प्यारा बच्चा ये आपको अभी भी मिलेगा इस्लामाबाद पिंडी में ये भी पिंडी में नेक्स्ट उसकी शादी है इंशाल्लाह आफ्टर 3-4 years लड़की मैं पसंद करूंगी मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ जरूरी नहीं जो हम कहें और जो हम सोचें वही हो एक और सेलिब्रिटी फैमिली में तो पहले से सेलिब्रिटी मौजूद है क्या हाल है हाउ आर यू आई एम वेरी वेल और आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट इतना अच्छा डांस कर रहा बहुत जबरदस्त वीडियो लगाऊंगा इसकी जा रहे डांस की तो लगाऊंगी वीडियो आपकी अगर अगर डांस किया तो डेफिनेटली नहीं करोगे अगर अगर मोहब्बत में डांस किया तो डेफिनेटली बिल्कुल क्यों नहीं सब हम सब डांस करेंगे हम पिंडी से हैं घर में छुट्टी के आए खावन मैं तो अपना घर में क्या हूं नया जैसे डांस करूंगी नादिया मेरा वाला खुश होता है मुझे देख के खावन जो है उधर है तो तुम डांस कर सकते हो नहीं नहीं वीडियो बनाएंगे मेरा खावन घर पे है तो आज मैं नूर के साथ डांस करूंगी ठीक है बोले जाओ डांस करने के अच्छा नूर की मम्मी है ये देखिए जी नूर की मम्मी देखें फर्स्ट टाइम आप इनको देख रहे हैं आउटस्टाइल पे देखें माशाल्लाह आपका बेटा इतना टैलेंटेड इतना अच्छा रोता है एक्टिंग में इतना अच्छा रोता है गुस्सा करता है रोमांस वगैरह सब आप यू मस्ट बी सो प्राउड ऑफ हिम और आर्टिस्ट है ना तो तब तो ये मतलब समझे कि ये मेरी फैमिली का हुआ हमारी कम तो फैमिली है सारे आर्टिस्ट जो है तो और आपके भी हम बहुत फैन हैं आप तो माशाल्लाह पायनियर थैंक यू मॉर्निंग शोज में और माशाल्लाह करेंगे जी मेरा बेटा परेशान घबराया घबराया बुखलाया बुखलाया ये सिर्फ अजान हो सकता है कह रहा है कि मैं कौन हूँ मैं कहाँ हूँ शादी के क्या होता है तुम्हें शादी के बाद शादी पे क्या होता है ये देखें आयशा
और ये मेरी दोस्त की मम्मी, हमने उनके घर बहुत दफा आते थे बचपन में, तंग करते थे, आंटी ये बना दें वो कर दें, बहुत मजा आता था ऑलवेज. आई लव यू. ये सबसे एक्साइटेड में अपना तारीफ करो लड़की. मैं हूँ इनकी बहुत बड़ी फैन और आपको पता है मैंने आपका आपका लास्ट जो ब्लॉग है आप इनको जा रही है डॉक्टर कनाडा वो मैं वॉच करके लिटरली क्राइंग ना. ओह माय गॉड, मामा भी रो रही है और बेटी भी रो रही है. आपका नाम क्या बेटा? आयशा. ये इसके इसका जो भाई है ना वो नूर का बहुत अच्छा दोस्त. अच्छा जैसे मेरी मदर आप वो लीजे को भेजते हुए दूर बड़ी तकलीफ हुई थी ना. मैं भी बहुत ज्यादा नदी में पूरी लाइफ की छोटी सी मामा आपकी बहुत बड़ी. माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबसे यहाँ मिलकर और आउटस्टाइल भी साथ साथ चल रहा. सब्सक्राइब कितना बोल दे, सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा एंड डोंट स्किप द वीडियो. डोंट स्किप द वीडियो, तो मस्ट है ना. तेज हो गए सब, तेज हो गए सबको समझ आ गई है. प्यारा बच्चा, हैंडसम बच्चा. That's his aunt. सारा सही स्क्रू से टाइट नहीं किया था आज. बहुत हिल रहा है, बहुत लूज है. टाइटिंग है तुम्हारी? मम्मा ने बोला था कि वो मोटे वाले टाइटिंग करी. झूठा बेटा, मम्मा की बातें मत करो. नीची चटनी तो डालो. सही है. मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी. मैं तुम्हें गोली मारने वाली हूँ उसके बाद. आउट स्टाइल पे लाइव मेरी दोस्त से मुझे गोली मार रही है. उसके बाद सब्सक्राइब करें आप. इसी बात पे सब्सक्राइब करें गोली काल. तो देखिए जो बचपन की दोस्ती होती है क्लोज बहुत, मतलब जो मैंने फर्स्ट टाइम मुझे लव्स होते ना बेस्ट फ्रेंड फैसल को, वो मैंने नहीं पता कि मैं कौन हूँ. फैसल ने आज जीरो नंबर लिए मुझे पहचानने में. और टेस्ट हमने लिया फैसल का. फैसल ने मुझे मरियम को. एक सेकेंड दोबारा बोलो. मुझे क्या मरियम? फैसल आपने मेरी बेइज्जती करा दी है. मरियम मरियम मैं हालांकि सारा सिखा के बता के आपको लाई थी कि मारिया है. मारिया फ्रॉम एबटाबाद. अब्बा ने भी आपको इंट्रोडक्शन दिया था. मेरी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड और फिर हमारी स्कूल की फ्रेंड सदफ जिनकी बेटी की शादी है. याद है आपको? आज मूड में नहीं भाई, आज जोड़ दो ब्लॉग. बेटा आज कोई मूड में नहीं है, आज जोड़ ही दो घर चलो. आपका फ्लॉप हो जाएगा. वह आज नहीं व्यूज आने, कोई व्यूज नहीं आने. आप सांस चेक करें कितनी यंग है. ये चेक करें. दिल जानिए मेरा हर हमें अभी तक याद है ना. बचपन में किया था ना दीवाने. अल्लाह अल्लाह मेरा दिल नहीं. अब मैं बहुत आगे और नहीं वो वाला भी मैं उसी फेंट थी. वो वाला भी क्योंकि मेरी उस टाइम पे शादी हो गई थी. नहीं वो एक और मैं अगर आपकी मेरा मेरा माइंड अगर आपको एम्बैरेसमेंट ना हो तो मैं टिप टिप बरसा पर डांस करना चाहूंगी. सांस रुक गया. नहीं गर्मी में सांस रुक गया. हाय गर्मी आई प्रेफर. हम उसके साथ आज हम मैं तो सिर्फ उसके साथ डांस करूंगी. नूर के साथ बस यही वजह है. हामू तुम क्यों नहीं आए? बेगम को अकेले भेज दिया. मामी है, बच्चों को संभालो. दीदी डांस करेगी एंजॉय करेगी. मियाँ को कह के आई है कि तुम घर में बच्चों को संभालो. मैं जा रही हूँ और मैंने नूर के साथ डांस भी करना है. इसलिए एंजॉय करना है और
देखते हैं, मारिया का डांस देखे बगैर मुझे फैसल कह रहे हैं कितनी देर में जाना है, कितना आपने गंदा सवाल किया है। तो शोबिस की शादियों में नहीं पूछते घरेलू की इतना कि कब जाना है, खाने के बाद जाएंगे, खाने से पहले जाएंगे, बाद में जाएंगे, कितनी देर बाद जाएंगे। मैंने कहा डोंट आस्क, होल्ड ऊपर। जो पुरानी बचपन की दोस्तें हैं ना, इनको पता होता है आपको हासिल होल्ड इधर रुक जाता है, मेरा फंसता है, होल्ड फंसता है। हाँ, ये किसी को बात नहीं पता, ये मुझे पता है, 30 साल पुरानी ये तो है, मारिया को पता है, हंसते हंसते होल्ड फंस जाए। मारिया मेरी ऐसी दोस्त थी कि मेरे अलमारी में कौन से कपड़े कहाँ पड़े हुए हैं, कौन सा जूता, जूतरी, एक एक चीज इसको पता होती थी। और डेली हम लोग मिलते थे, मैं गोल्फ खेल के आके मारिया के घर ड्रॉप हो जाती थी। और हमने वहाँ क्या करना, हमारी अच्छा सो इंटरनेट वगैरह था नहीं, इतनी पुरानी बात नहीं, लेकिन 90s में मैं बता रही हूँ, हम लोग डांस करते थे, बस शौकीन स्टेप्स बना रहे हैं, शादी किसी की नहीं आ रही। और प्यार के लोगों की शादी डांस करते, और पता चल जाए कि जी फला जानने वाले की शादी इसकी फैमिली में, मेरे हम दोनों पहुंच जाते थे। डांस की शदीद शौकीन है ना, किसी की शादी पता चले हो कहाँ हो रही है, हम पहुंचे क्योंकि हमने हमारे हमेशा 5-6 डांस रेडी होते थे, ऑलवेज रेडी। ये बात है पिंडी में ऐसा ही है, सिंपल है ना लाइफ। Jumping back.